अज असी आए हाँ ए टू जैड एक्यूप्रेशर सेंटर। डॉक्टर और मजाक एक बड़ी अजीब जी गल लगती है, पर एक मजाक जहा जो लगता है सानू इन्हों वालों किया जाता है कि जी हड्डिया छड़ के बाकी सारे इलाज जड़े ने हाथों नाल कर लेंगे ने। एक जड़ा है बड़े टुटी हड्डी छड़ के सारे इलाज कर लेंगे ने, एक मजाक जी गल ही लगती है सुनने। असी सब तो पहले डॉक्टर साहब को अपने पामी जी आखते हैं। डॉक्टर साहब एक जड़ा तुसी बड़ी बार कहते हो कि जी असी की कहते ने टुटी हड्डी छड़ के सारे इलाज इत्थे कर लेंगे, वह भी तीन उंगलों का कमाल जड़ा, तो एक मजाक जहा लगता कि कहना चाहोगे इस बारे? पहले तो मैं तुहानू जी आयां नूं कहना चाहना जी अपनी और अपने टीम की तरफ तो सेवा 24x7 ट्रस्ट तो ए टू जैड एक्यूप्रेशर सेंटर की तरफ तो जी आयां नूं कहना वा असी जले हुए और टुटी हड्डी के अलावा हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं। यह दावा हैगा बिना दवाई दे, दवाइया के नाते जो चीज़ असी लोगों नूं देने उहदे विच तुसी आप अपने घर बना सकते हो। असी सिर्फ कंपाइल किया निब्बू अदरक लसन सिरका शायद ऐसियां जिन्हों दवाई नहीं किया जाता। मैं रिक्वेस्ट करांगा सारे ध्यान नाल सुन लो, कोई दवाई नहीं देंदे निब्बू अदरक लसन सिरका शायद इन्हां चीज़ों नाल बनाई हुई दवाइयां या इस तरह बनाई हुई चीज़ां तुहानू देने आ, और रब की कृपा नाल जिहड़ी शफा बख्शी उन्हां ने कि असी नब्ज़ां देख के तकलीफ आप लभ लैंदे आ। जिस तरह अज इन्हां दा तीजा दिन है, मेरे तो बेहतर है कि इन्हां तो पुछा जाए। मैं कहो तो मैं पहले बोलदा जी कानू किन्ना फर्क है, मैं बोल दिया पहले कि पूछना चाहवागे तुसी आज तीन दिन हो गए आ रहे हो, क्यों क्यों जा फील हो रहा है? 50% है बिल्कुल जेड़ी गल इन्होंने की 50% है बिना इलाज तो बिना दवाइया तो बिना इलाज नहीं कहूँगा बिना दवाइया तो। और सब तो पहले एक होर गल मैं जी सब तो पहले डॉक्टर साहब को बधाई भी देंगा कि जेड़ी ये अज कल जड़ा इन्हां दी जिहड़ी सेवा हैगी ए टू जैड एक्यूप्रेशर सेंटर है जिहड़ा ये जो शफा है इन्हां दे बजुर्गों नूं अज उन्हां नूं 22 साल हो गए ने। सब तो पहले असीं उन्हां नूं वधाई भी देंगे। डॉक्टर साहब एक चीज़ है जिहड़ी ये फिर मैं कहांगा कि बिना दवाई तो बिना उहदे तो बीमारी भी पता लगनी बिना टैस्ट तो, ये सारा की हैगा? इहना सारी माँ प्यो की जिहड़ी असीसां ने अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में सारा कुछ सीख लिया सी। मैं कहते अच्छा नहीं लग रहा उन्हों की मदर ना अद्धे टाइम तो सो गई सी करके उन्होंने चक्कर निकलना नहीं आया। मैं मेरी माँ जागी रही सी, मैं अपने माँ के पेट के सब कुछ सीखा, मेरे बेटे ने भी यही शफा हैगी है। कल 22 साल मैं इस सेवा दे लोए ने, कल का दिन मेरे फादर साहब की डैथ हुई थी 22 साल पहले 2001। सानू एक शफा अपने प्यो दादे तो मिली है, करन वाला बंदा साढ़े मम्मी ने डिसाइड किया जी तुसी सेवा करनी है, मैं सेवा स्टार्ट की। शफा सब बाबा जी देंदे ने, कोई उपरों लैके नहीं आता, इतने आके नाल दे नाल कमानी भी पैंदी है। जितनी बाबा जी ने सानू शफा बख्शी है जी, कल जदों भैन जी आए थे तो मैं इन्होंने कहा जी 30% फर्क है, कल यही गल हुई जी तुसी कल नहीं दस्या सी, अज इन्होंने टोकता नहीं तो मैं दसदा, और मैं 40% कहना सी इन्होंने 50 किया। मैं बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भैन मेरे ख्याल शायद दिल्ली बाहर भी आए हुए हैं, मैं नहीं पता कितों आए हुए हैं, मैं माफ़ी चाहवा मैं नहीं पता किधरों आए ने। एक छोटा जा औजार है साडा, असी तीन उंगलों के राही तुहाडी नब्ज़ां लभनियां ने, उस तो बाद असी ट्रीट करना, ट्रीट करन तो बाद असी कहना जी चैक कर लो। हुण इहनूं तुसी मेनटेन करना है तो उहदे लई असी तुहानूं कहने निब्बू अदरक लसन सिरका शायद एक दवाई, दूजी दवाई वे तुलसी पुदीना सौंफ अजवैन उहदे चार चीज़ां पैंदियां, टोटल दो दवाइयां असी देंदे आ। एक असी तेल देने जी अपना जो असी किचन बनाया पूरी दुनिया के नाल चैलेंज करके आए, कहने कि खाने वाले तेल नाल बनाया हुआ है, और चोट ते लगाने वाला तेल खाया भी जा सकता है, इन्ना प्योर बनाया है। जेडे जेडे मिर्च मसाले जो मेरिया धियां भैनां घर बनांदियां ने सब्जी विच पैंदे ने उन्होंने नाल तेल बनाया हुआ है। कोई बाजार की चीज़ असी ना इस्तेमाल की है ना करनी है, किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो रही गल ट्रीटमेंट की, कोई भी ट्रीटमेंट एक दिन में नहीं आता, दो चार दिन लग जाते हैं। हुण ट्रीटमेंट आने लई मेरे हिसाब नाल 10 दिन जाना दी कमर बिल्कुल जड़ तो ठीक हो जाएगी। क्या इन्हों का कोई मैं MRI देखिया, क्या इन्हों का मैं कोई एक्सरे देखिया नहीं, इन्हें जो मेरे को आए थे मैं नब्ज़ देखी सी अज तो 3 दिन पहले, यह दस सकते हैं या यह जानते हैं इन्हों का रब जानता कि मैं दस्या कि इन्होंने दस्या। रही गल जानन की, तो जे अगर रब ने कोई शफा बख्शी है तो उसी का ही इस्तेमाल करके असी कामयाब हो रहे हैं। तो अद्धी अधूरी जानकारियां लैके लोगों ने अपने घर घर के एक्यूप्रैशर दिया सेंटर खोले हुए हैं। साडे नाल बैठी हुई टीम है अज इस बंदे नूं 23 साल मेरे नाल हो गए ने, इसकी जिहड़ी
उम्र एक तजुर्बा ही इन्ना ज़्यादा हो गया कि कितने तक पहुँचेगा। 9 साल हो गए ने अज उन्हों साडे हरमीत सिंह जी नूं, अनिल मलिक नूं 23 साल हो गए ने मेरे नाल काम करते करते। और नाल स्टूडेंट नाल बिठाया, स्टूडेंट नूं असीं नाल दे नाल प्रैक्टिस भी कराने। वो दिलीप जी स्टूडेंट ने अमृतसर तो आए हुए ने साडे सिखण दे लई साडे कोल। जिहड़ी गल की स्टूडेंट हैगे ने इहदे विच की मतलब कोई भी जिहड़ा चाहे आकूप्रेशर सीख सकता है या की हिसाब किताब है या तुसीं इत्थों वो की प्रोसैस हैगा जिवें तुसीं गल की स्टूडेंट ने? मैं दसना जी, स्टूडेंट का मतलब है जे तो अगर तुसीं इहनूं रोज़गार बनाना है तो तुहानूं इहदा पूरा कोर्स कंप्लीट करना पएगा। लेकिन जे अगर तुसीं सिर्फ अपने लिए सीखना है तो 4 तो 10 दिन के अंदर अंदर तुसीं अपने लिए सीख के अपना इलाज कर सकते हो, क्योंकि किसी की सेहत नाल खिलवाड़ करना अच्छी गल नहीं है। इतने उन्होंने आए हुए अब 12 महीने उन्होंने आ गए हैं, 12 महीने भी असं उन्होंने यह नहीं कहा तुम परफेक्ट हो गए हो, 12 दिन भी तुम अपने लिए परफेक्ट हो सकते हो, दूसरे के लिए सेव आउट 1 ईयर तक तो असं कहने, क्योंकि असं प्रैक्टिस नाल काउंट करके चलने हैं। 1 साल लग जाता है प्रैक्टिस दे विच, लेकिन 2 दिन के बाद बंदा कहता जी मैं तो सब कुछ सीख गया, मैं चला जावांगा तो नाल दी दुकान खोली दे बह के। कोई गल नहीं करो, लेकिन उन्हों का फिर उन्नी डुगडुगी पेशेंट का इस पैथी तो उठन का भरोसा उठन का कारण भी यही है कि घर घर अज सारे एक्यूप्रैशर के बंदे बह गए हैं। इतने जो भी कर रहे साडा इतने जिहड़ा बंदा साडे नाल ट्रीटमेंट नहीं करता उन्होंने भी 5 साल हो गए ने, 5 साल पहले उन्हें कोर्स किया है। एक चीज़ मैं होर कहूँगा कि मेन जिहड़े पेशेंट्स ने कि कैटागरी के या कि पेशेंट्स जिहड़े ने ज़्यादातर तुहाडे कोलों आते हैं और ठीक होकर जाते हैं? मैं आप जी ने जिवें उन्हें अर्ज की सी जले हुए और कटे तो छड़ गए, पाँव नीचे कर लेना जी, नीचे कर लो, एडी डबल दोबारा होगा, जले कटे दे छड़ के हर चीज़ का इलाज है। कैंसर तक का इलाज एक्यूप्रैशर विच है, लेकिन 9 सखिया के कोल नहीं है, ना ही वो जान सकते हैं और ना ही वो कर सकते हैं। एक स्किन ट्रबल उसका इलाज किसी डॉक्टर को नहीं है, उसका इलाज कुदरत ने बनाया। अमरक एक बड़ी छोटी जी बचपन से असं सारे खाते आ रहे, 2 या 5 रुपए की आती है, हरे रंग की अमरक होती है, बेर वाले को मिलती है, स्टार फ्रूट भी कहने उन्होंने। स्किन ट्रबल का इलाज किसी डॉक्टर को नहीं है, सारे दवाइया खिला खिला के तुहाडा शरीर सत्यानाश कराए जा रहे हैं। किसी चीज़ के लिए भी जले हुए उसके लिए भी तुहानू इलाज दूजा करना पड़ेगा, कोई कट गया उसके लिए भी तुहानू एलोपैथिक की लोड़ हैगी है, हड्डी टुट गई उसके लिए भी एलोपैथिक की लोड़ हैगी है। ये अलावा चाहे तुहाडे मूँह जिन्हें भी वर्ड आने गए तकलीफ दे, हर चीज़ का इलाज एक्यूप्रैशर प्रणाली के विच बिना किसी मेडिसन के संभव है और साडा दावा है, यह दावा है साडा। डॉक्टर साहब एक होर जड़ी गल हैगी है कि इहदे विच की कहिंदे ने कित्थे मिल सकते हैं? वैसे तो साडा फोन नंबर जिहड़ा नीचे स्क्रोल हो रहा है, पर इत्थे की टाइमिंग ने और की प्रोसैस है, की फीस है वह भी, क्योंकि दर्शक जिहड़े ने साडे कई बारी साडे न्यूज़ ते देख के सानू ही फोन करते हैं भी की हिसाब किताब है, तो थोड़ी जी डिटेल भी असीं चाहवांगे जरूर लास्ट विच सांझी करो जी। मैं बिल्कुल समझा देना जी, इस मैं जिते खुद अगर मैनू दिखाना है तो C75 बेसमेंट हरिनगर मेन मार्केट गांधी मार्केट भी असं कह लें हरिनगर की दीनदयाल उपाध्याय के कोल, 9:30 to 1 साडा टाइमिंग है। और मैनू जो दिखाना तो 1100 रुपये हर बार की फीस हैगी है, यह साड़ी असी सेवा नाल रखी हुई है। ये 200 रुपीज़ पर फीस विजिट फीस हैगी है, ये 200 रुपीज़ और मैनू जो भी दिखाना है 1100 रुपये फीस हैगी है हर विजिट की। यह साडा बेसिक है, और साढ़े 3 सेंटर है ने जी दिल्ली के, 3 सेंटर का जो एड्रैस है मैं एक बार तुम सामने दस देना जी, C75 बेसमेंट हरिनगर जिथे कि मैं बैठे हुए हाँ, 6/55 मोती नगर कुमार पेस्टी वाली गली, यह दोनों जो सेंटर ने मोती नगर और हरिनगर वाले, इन्हों के टाइमिंग 9:30 to 1 मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ है, संडे असं टैलीफोन पर भी अवेलेबल नहीं हाँ। संडे को साडा किधरे ना किधरे कैंप होंदा है, फ्री कैंप होंदे ने, उस कैंप के लिए टैलीफोन करके कोई भी पूछने की कोशिश ना करना। जे अगर तुहानू सेवा लैनी है तो तुसीं आप लभो फेसबुक के उत्ते और यूट्यूब के उत्ते और इंस्टाग्राम के उत्ते असं डेट पाने टाइम पाने उस जगह के लिए। दिल्ली के हूँ ना कोई कैंप लगे ना हूँ लगेगा, रीज़न है दिल्ली जब 3 सेंटर खुल गए तो हूँ सेंटर के अलावा सेवा करने की लोड़ नहीं। एक दिन की सेवा के नाल किसी को बेनीफिट नहीं मिल सकता, इसलिए असी इस सेवा को कट किया है। उसकी जगह तो असं इतने सिर्फ 200 रुपये जो हूँ फीस रखी हो, एक किस्म की सेवा ही है। आज की डेट में इतने वड्डी जगह को किराए देने तो बाद कमर्शियल जगह के उत्ते हर चीज़ का टैक्स पे करने तो बाद 200 रुपये भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बट कर रहे हैं सेवा ही है। पहले होंगे कि सीगा किसी ना किसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद असी कैंप लगाते सके, वो एक दिन के कैंप में बंदा एक दिन आता सी, उन्हें फर्क नहीं पैंदा सीगा, इसलिए सानू कैंप की लोड़ नहीं है।
तीन सेंटर साढ़े हैं। तीजा सेंटर हैगा लाजपत नगर, वो टाइमिंग ने 4 to 6 मंडे टू सैटरडे, वोद भी संडे ऑफ है। संडे असी किसी जगह पर भी ट्रीटमेंट नहीं करते, सेवा करने सेवा दे टेलीफोन नहीं। साडा चैनल फॉलो करो, सबसक्राइब करो, तो सारी जगह का पता चलेगा, तुम चाहो तो सेवा लै सकते हो, बट दिल्ली तो बहर, दिल्ली के बीच नहीं। बिल्कुल, जिहड़ी असी गल शुरू की कि डॉक्टर साहब वालों मजाक जिहड़ी गल की सी, उहदे विच बिल्कुल है कि जले कटे और हड्डी टुटे नूं छड्ड के हर तरह का इलाज जिहड़े ने, क्योंकि कई साल तो असी इस नूं कवर कर रहे हां और इत्थे कई करिश्मे जिहड़े ने देखण नूं मिलदे ने कि व्हीलचेयर ते या स्ट्रेचर ते भी बंदा आंदा ते खड़ा होकर जाते जिहड़े ने, प्रतख असी देखे ने जो अपने दर्शकों असी पुराने प्रोग्राम दिखाए ने। असी डॉक्टर साहब का धन्यवाद करांगे, वधाई देंगे सब तो दोबारा एक बार कि जिहड़े अज इन्हां दी उन्हां नूं 22 साल हो गए इस पद्धति लोगों तक पहुँचाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर किसी प्रोग्राम के कोशिश करांगे कि अलग अलग जिहड़े इलाज किसी पेशेंट से हो रहे हैं उन्होंने उत्ते असी चर्चा अलग अलग जरूर करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।